हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। यदि हम क्लास में किसी भी लेसन का या पोयम का रोल प्ले करवा देते हैं तो वो बच्चों को हमेशा के लिए याद हो जाता है और बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। तो आज मैंने करवाया और आप देख सकते हम हैं किस लोग तरीके। तो आज हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं मैरीज लैम पपेट शो। तो यहाँ पर मैरी एक लड़की थी और मैरी के पास क्या था, एक मेमना। तो क्या हुआ कि जो मैरी थी उसके पास एक प्यारा सा मेमना था। मेमना था, वह अपने मेमने को बहुत प्यार करती थी। और उसके जो मेमना था वो कैसा था, सफेद था। स्नो, स्नो मतलब बर्फ की तरह सफेद था। और जहाँ कहीं भी मैरी जाती मेमना उसके पीछे पीछे आता। जहाँ जहाँ भी मैरी जाती और मेमना उसके पीछे पीछे जाता था। एक दिन मैरी अपने घर से स्कूल के लिए एक दिन मैरी अपने स्कूल के लिए चल दी और मेमना भी उसके पीछे पीछे चला गया। और चलते चलते मैरी अपने स्कूल पहुंची और मेमना भी स्कूल मैरी के पीछे पीछे स्कूल में पहुंच गया। जितकर को तो उसे देखकर, मैमने को देखकर उसकी क्लास के सभी बच्चे हंसने लगे। अरे अब करो, चलो छोड़ के आओ उसे अपने घर। और इस तरीके से टीचर ने मैमने को बाहर भगा दिया क्लास से और मैरी उसको छोड़ने के लिए घर पर गई। और मैरी ने स्कूल के बाहर मैम कक्षा के बाहर मैमने को बाहर खड़ा कर दिया। मैमना तब तक बाहर खेलता रहा। वह कक्षा में जाकर के अपनी प्लेस पर बैठ गई। तब टीचर ने पढ़ाना शुरू किया सभी बच्चों को। इसी तरीके से पढ़ाई चलती रही और बच्चे पढ़ते रहे और अपना अपना लिखते रहे। इसी तरीके से टीचर पढ़ाती रही और बच्चे पढ़ते रहे और अपना काम करते रहे, लिखते रहे। जब स्कूल का टाइम पूरा हो गया तो घंटी लगी छुट्टी की। और बच्चों की छुट्टी हो गई। टीचर भी अपने घर चली गई और जो मैरी थी वह अपने मैमने के पास चली गई। और मैमना जो था, और छुट्टी के बाद जैसे ही मैरी की छुट्टी हुई वह मैमना जो बाहर स्कूल के बाहर खेल रहा था वह जा करके अपनी मैरी और दोनों लोग एक दूसरे से मिले और उसको मैरी के मैमने को उसको बहुत अच्छा लगा।
और वह जा करके अपनी मैरी के गोद में लेट गया। तो इस तरीके से मैरी जो थी वह अपने मेमने को बहुत प्यार करती थी और मेमना भी मैरी को बहुत प्यार करता था। क्लैप। नुकसानों से बचाओगी ऐसा सोचता था वो मेमना। किसके बारे में? मैरी के बारे में। कि मैरी मुझे बहुत प्यार करती है और वो मुझे सभी प्रकार के नुकसान से बचाएगी। तो अच्छी लगी? क्लैप। आई होप गाइज आपको भी ये बच्चों का रोल प्ले पसंद आया होगा। इस तरीके से करवाने पे बच्चे जो लेसन होता है उसकी कहानी को कभी भी नहीं भूलते हैं। सो गाइज कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, थैंक।